नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिटशॉट फिल्म। आज के इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे डिवाइसेस के बारे में जो डिवाइसेस आजकल मल्टी यूजर पीसीज के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं जैसे कि कोई साइबर कैफे हो या फिर जहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट हो, तो देखिए वहाँ पे हमें एक से ज़्यादा पीसीज की, कंप्यूटर्स की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है या साइबर कैफे है और वहाँ पे अगर 10 कंप्यूटर की हमें ज़रूरत है, 5 कंप्यूटर की हमें ज़रूरत है, 6 की ज़रूरत है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको परचेस करने होंगे और सारे कंप्यूटर्स का जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूटिलाइजेशन जो होता है वो काफ़ी सारा उसमें होता है। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम यन कंप्यूटिंग कहते हैं। एक्चुअली एक थिन क्लाइंट बेस एक डिवाइस है और इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं ताकि हमें बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए ये जो थिन क्लाइंट जो डिवाइसेस होते हैं, ये डिवाइसेस आपका काफ़ी सारा इलेक्ट्रिसिटी भी सेविंग करता है और काफ़ी सारे आपका पैसे भी बचाता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर वो मैं आपको दिखाता हूँ वो टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। देखिए, ये दो डिवाइसेस होते हैं, ये एक पीसीआई कार्ड है और ये क्लाइंट थिन क्लाइंट का एक डिवाइस है। ठीक है, अब ये कैसे कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू के अंदर जिसे हम सर्वर कहते हैं वह सर्वर के अंदर इसे डालना होता है, इसे इंस्टॉल करना होता है। देखिए, अब ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस हम लगाते हैं सीपीयू के अंदर पीसीआई, ये जो आप देख रहे हो ये पीसीआई कार्ड है और ये पीसीआई स्लॉट के अंदर हमें ये इंस्टॉल करना होता है। और ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस मॉनिटर के पीछे हमें लगाना होता है ताकि उस मॉनिटर पे हमें एक कंप्यूटर के तरह फील आए। यहाँ पे ये जो पोर्ट है, ये कीबोर्ड माउस के लिए ये PS2 पोर्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एथरनेट कनेक्टर है, ये आपका VGA केबल है, यहाँ पे VGA केबल लगाना होता है, यहाँ पे LAN केबल लगाना होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑन ऑफ स्विच है और यहाँ पे एक स्पीकर के लिए भी एक कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसमें USB यहाँ पे इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, ये EN कंप्यूटिंग का X550 डिवाइस है। इसपे इसको हम कैसे यूज करते हैं, तो देखिए इसके अंदर हमें एक सर्वर की जरूरत होती है और उस सर्वर में हम ये जो PCI कार्ड है, ये PCI कार्ड हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो ड्राइवर्स, इस कार्ड का जो ड्राइवर और जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर और ड्राइवर्स हम उस सीपीयू के अंदर, उस सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। और जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं और उसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें अलग अलग उसमें यूजर्स क्रिएट करने होते हैं, जितने क्लाइंट है, ये क्या है, एक क्लाइंट है, जितने क्लाइंट है उतने यूजर हमें वहाँ पे क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो कुछ रिमोट सेटिंग्स वहाँ पे हमें एनेबल करनी होती है और जो फायरवॉल है, फायरवॉल में भी हमें कुछ प्रोग्राम्स को अलाउ करना होता है। ठीक है,
तो देखिए अब ये जो आपको मार्केट में मिलेगा तो ये आपको आएगा 3+1 में, उसके बाद 5+1 में। ठीक है, 3+1 मतलब क्या, ये 1 है जो जाएगा सर्वर में और ये आपको ही मिलेगा 3। ये 3 मॉनिटर के लिए आपको ये 3 क्लाइंट ऐसे मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपका 5+1 है तो आपको एक ऐसा कार्ड मिलेगा और आपको आपके पास आपको ये 5 क्लाइंट मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो सर्वर क्लाइंट का जो ये सेटअप होता है वो आपको करना होता है। ठीक है, तो जहां पे आपको 5 कंप्यूटर की जरूरत है, 6 कंप्यूटर की जरूरत है, तो वहां पे आप ये लगा सकते हो। अब इसका जो प्राइस है ये लगभग 15,000 से 17,000 के बीच में आपको मिलता है अगर आप 5+1 लेते हो। अगर आप 5+1 लेते हो तो आपके इंस्टीट्यूट में या फिर आपके साइबर कैफे में 6 कंप्यूटर का सेटअप होगा। 5+1 यानी 5 क्लाइंट और एक सर्वर, तो ये 6 कंप्यूटर का सेटअप आपके इंस्टीट्यूट में या आपके साइबर कैफे में आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको कॉन्फ़िगर करना भी बहुत आसान है। वैसे भी आप मैन्युफैक्चरर आपको उसका एक पीडीएफ फाइल देता है जिसमें आपको गाइड किया जाता है कि कैसे इंस्टॉल करना है, और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, इसके जो इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल है वो अवेलेबल है। अगर आप 3+1 लेते हो तो आपको अप्रॉक्सिमेट 10,000 तक आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको 4 पीसी का सेटअप लगाना है तो आप 3+1 ले सकते हो। अगर आपको 6 पीसी का सेटअप लगाना है तो आप 5+1 ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये यन कंप्यूटिंग ये सेटअप होता है, ये डिवाइस होता है, और ये आप कहीं पर भी मतलब जहाँ पे आपको एक सिंपल एप्लीकेशंस आपको रन करने हैं, जैसे कोई साइबर कैफे हो गया तो साइबर कैफे में हमें क्या क्या यूज करना होता है, जैसे इंटरनेट के लिए ब्राउजर्स, उसके बाद एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद पीडीएफ फाइल्स, ये सिंपल एप्लीकेशन है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया है, इसको आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका हेवी यूज है, जैसे ग्राफिकल अगर आपको यूजेस है आपका, तो ये आपका उतना परफॉर्मेंस नहीं करेगा देगा, तो उसके लिए आपको इंडिविजुअल पीसी ही चाहिए, वो ही बेटर रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको ऑटो कैड चलाना है, आपके इंस्टीट्यूट में ऑटो कैड चलाना है, फोटोशॉप चलाना है, तो इसके लिए ये कंपैटिबल नहीं है। ये मैं आपको मतलब कंपनी के कहती है कि ये इस पर आपका फोटोशॉप चलेगा, ऑटो कैड चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसे यूज करते हैं तो काफ़ी सारे मतलब देखो चलता तो है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जितना परफॉर्मेंस, जितना उसका स्पीड जो होता है वो काम नहीं करता, वो वर्क नहीं करता। तो इसके लिए आपको इंडिविजुअल पीसी ही बेटर रहेगा, वही अच्छा आपको परफॉर्मेंस देगा। अगर आपका सिंपल वर्क है साइबर कैफे इंस्टीट्यूट में, जो सिंपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसका साइज लगभग 200 MB से लेके 500 MB तक है, तो उतना वो लोड ले सकता है, उतना उसका उसका स्पेसिफिकेशन होता है, वो काम कर सकता है। लेकिन हेवी यूज के लिए इसको यूज ना करें तो ही बेटर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म। थैंक यू।